हेलो जूनियर्स, बैक टू किड्स लर्निंग। सो लास्ट सेशन में हमने सीखा था बर्थडे कार्ड कैसे बनाते हैं। कुछ ब्लॉक्स हमने अंडरस्टैंड किए थे, कैसे यूज करना है बैकड्रॉप्स, कैरेक्टर कहाँ से मिलेंगे, हमने वो सब अब वो स्टेप्स सीख चुके हैं। तो आज हम मूव होंगे कम्युनिकेशन के ऊपर, जाएंगे एक छोटी सी स्टोरी बनाएंगे। और थीम क्या है इसमें कि हमें जब दो कैरेक्टर आपस में कैसे बात करते हैं, फिर स्लोली स्लोली उसी में हम स्टोरी ऐड करके ब्लॉक्स को कैसे यूज करना है हम वो सीखेंगे। ओके जूनियर्स, तो सबसे पहले आपको ये पेज की एक नॉलेज है। जैसे हम पेज ओपन करते हैं, न्यू फाइल में जाना है और यहाँ पर टाइटल देना है। तो मैं डिसाइड कर रही हूँ कि कैरेक्टर हम लेंगे टू कैट्स, तो स्टोरी का नाम भी वही रहेगा, टू कैट्स हम लोग लेंगे और वो दोनों बातें कर रही हैं। हम वो देखेंगे कैसे बातें करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पेज में जब मुझे कैरेक्टर, अब यहाँ पर ऑलरेडी वन कैट इज रहती है हमेशा बाय डिफॉल्ट, डेट स्प्राइट। तो अब मैं चाहती हूँ कि मुझे और एक कैट चाहिए, मुझे आई वॉन्ट टू चूज अ स्प्राइट। तो आई विल गो डायरेक्टली, फिर मैं जाऊंगी चूज अ स्प्राइट, क्लिक करने के बाद मैं एनिमल चॉइस करूंगी। मैंने कहा अगर आपको नाम पता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया तो मुझे सिर्फ पर्टिकुलर, मतलब मुझे उसने डिफाइन फिल्टर करके मुझे दे दिया कि मुझे कैट चाहिए। अब यहाँ पर कैट की कैटी, तो यहाँ पर मैं ये कैट प्रिफर करूंगी एंड आई वॉन्ट दिस कैट। अभी हमने क्या थीम रखा है कि ये दोनों बातें करने वाले हैं, राइट? तो इसका मैं फेस इसकी तरफ करती हूँ सो डैट दे कैन टॉक टू ईच अदर। जैसे हम अपने दोस्तों को मिलते हैं तो बातें करते हैं। ओके सो लेट्स, तो मैंने कहा अभी जैसे इसका फेस मुझे चेंज करना है, तो मैंने कहाँ से चूज स्प्राइट किया, राइट साइड से। अब मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगी, कॉस्ट्यूम में क्लिक किया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी कैट है इसका फेस मैं इस साइड करना चाहती हूँ, तो आई विल चूज इस तरीके से एंड आई विल क्लिक हॉरिजॉन्टल। तो ये मेरी पूरी कैट हॉरिजॉन्टल फेस में हो चुकी है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो अब लग रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और मैं चाहती हूँ मेरी कैट ये यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है। ओके, हमने ये सेट कर लिया। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि मैंने कॉस्ट्यूम में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया तो उसका फेस इस साइड हो गया। ओके जूनियर्स, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। ये सीख लिया हमने, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने से दोनों का फेसिंग हम चेंज कर सकते हैं। नाउ अब मैं बैकड्रॉप चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगी, आई विल गो टू माई राइट साइड, चूज अ बैकड्रॉप एंड सिंपली क्लिक ऑन इट। और मैं चाहती हूँ आउटडोर होना चाहिए, तो आई सिंपली क्लिक ऑन आउटडोर एंड आई विल चूज ब्लू स्काई, सो आई विल सिंपली क्लिक ऑन इट ब्लू स्काई और मेरा बैकड्रॉप सेलेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, यहाँ पर हमने ये लिया थीम, तो इसको मैं यहाँ नहीं चला देती हूँ। अब ये कैट यहाँ से आ रही है एंड ये आ रही है। अभी जब आप अपने फ्रेंड्स को देखते हो तो हाय, गॉट एक्साइटेड एंड वांट टू से हाय हेलो। सो अब हम इनमें सबसे पहला स्टेप डालने वाले हैं जो इसका आपको बहुत वेट था, राइट किड्स? सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं चाहती हूँ मेरी सबसे पहले स्प्राइट वन इसको कहेगी हेलो। वहाँ उसके लिए मुझे कहाँ जाना है, कोड डिस्क्रिप्शंस में जाऊंगी मैं एंड आई वांट कि वो उसको हेलो करे। तो लुक्स में जाना है एंड ये इसमें क्या लिखा है, कमांड्स से हेलो फॉर 2 सेकंड्स, मतलब जब वो उसको देखेगी तो वो हेलो बोलनी चाहिए और एटलीस्ट वो 2 सेकंड तक बोले। यहाँ हम टाइमिंग दे सकते हैं अपनी स्टोरी को, तो मैं चाहती हूँ वो 2 सेकंड उसको हेलो बोले। ठीक है, हेलो। तो ये मेरी कैट बोली, देखिए कैसे, यस इंटरेस्टिंग, फाइनली आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो कि कैसे वो हेलो कर रही है। हमने लास्ट टाइम कम्युनिकेशन, ये फर्स्ट स्टेप है आपका, तो यू मस्ट बी फीलिंग हैप्पी टू सी दिस। सी देखो कैसे बोले, जैसे आपने क्लिक किया वो बोल रही है हेलो। अब मैं अभी मैंने सबसे पहले, हमेशा यू नोट करो जब भी हम स्टोरी या कोई भी कार्ड बनाएंगे एनिमेटेड, तो हमें ग्रीन फ्लैग क्लिक लेना ही है, क्योंकि जब तक ये नहीं लेंगे हमारी स्टोरी कभी भी प्ले नहीं होती है। अगर सिंपली फिर बार बार हमें उस पर क्लिक करना है, ओके हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो हमें तो पता है हमने स्टोरी क्या डिसाइडेड है, तो हमें जाके इवेंट में जाके सिंपली क्लिक कर देना है क्योंकि हमें उसका रिजल्ट भी देखना है।
ओके ये वन साइड हो गया, तो इधर भी क्लिक करें क्योंकि अभी मैंने एक को ही इंस्ट्रक्शन दिया है, इसलिए यहाँ पर क्लिक करूंगी, दैट्स फाइन। अगर मैं यहाँ करूंगी तो सिर्फ एक का ही कम्युनिकेशन आप देखोगे, सेकंड का नहीं। इसलिए मैंने ये फ्लैग इसलिए ग्रीन क्लिक अभी से ले लिया कि जब मैं नेक्स्ट जब दे दूं तो आई कैन सी कि इतना स्टेप हमारा रेडी हो जाए और आपको अंडरस्टैंड हो जाए इसका यूज क्या है। क्योंकि अगर अभी देखाओ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने अब मेरी सेकेंड कैट को ले रही हूँ और मैंने उसको ग्रीन फ्लैग नहीं दिया है। ओके ग्रीन फ्लैग हम नहीं चूज कर रहे इसमें, मैं पहले लुक्स में जाऊंगी एंड आई विल से इसको मैंने कमांड दिया है कैट टू को कि आप हेलो बोलोगे, तो इसको हम हाई कर देते हैं, ये वो हेलो बोल रही तो ये हे सो उसको हे बोल रही है। ओके अब मैंने यहाँ ग्रीन फ्लैग नहीं दिया, अब मैं जब ग्रीन फ्लैग करूंगी तो सिर्फ वन कैरेक्टर जिसको मैंने ग्रीन फ्लैग किया वो ही बोलेगा, सेकंड वाले को नहीं आएगा इंस्ट्रक्शन। अभी समझे, जब मैं इधर क्लिक करूंगी तो ये बोलेगी हे आपने नोटिस किया मैंने ग्रीन फ्लैग जिस पे क्लिक दिया रहेगा ब्लॉक पे, जब स्क्रिप्ट एरिया में मैंने अगर जिसको ग्रीन फ्लैग नहीं दिया तो वो कैरेक्टर नहीं बोलेगा स्टोरी में। ओके सो अंडरस्टैंडिंग राइट। सो जूनियर्स ये चीज को ध्यान रखना है आपको, इवेंट में हमेशा जाके व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक। एंड अब देखिए और एक मजेदार चीज है, देखिए मैंने दोनों को इंस्ट्रक्शन दे दिया है राइट। अभी आप देखेंगे डिफरेंस में क्या बताना चाहती हूँ, सिंपली दोनों एट अ टाइम बोल रहे हैं, वो भी हेलो ये है। तो आपको नहीं लग रहा है कि हम कभी मिलते तो हमको क्या बोलना, जब तक अभी दोनों एट अ टाइम देख रहे हैं बट एक बोलता है फिर दूसरा रिप्लाई देता है राइट। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, अगर मैंने ग्रीन फ्लैग दोनों को कमांड मैंने इंस्ट्रक्शन आ गए तो दोनों एट अ टाइम बोल रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि जब ये हेलो बोले फर्स्ट हमारी स्प्राइट कैट दो मिनट यहां पर रुके, तो हमें क्या देना पड़ेगा इसको वेट का ऑप्शन राइट। और जैसे कि मैंने बर्थडे कार्ड में बताया था हमने ऑप्शन दिया था तभी वो टाइमिंग के हिसाब से, तो मैं चाहती हूँ जब ये 2 सेकंड यूज कर रहे हैं बोलने के लिए कौन सी स्प्राइट, ये भी ध्यान रखना है कि किस कैरेक्टर को सबसे पहले बोलने दिया है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो स्टार्टिंग में बोलेगा और वेट किसको करना है सेकंड कार्ड को कैट को क्योंकि उसको सुनना है राइट। सो अब मैं जाऊंगी एंड आई विल गिव अ कंट्रोल सेकंड कैट को कि आपको वेट करना है, मतलब वो इसलिए दे रहे ताकि अभी आप डिफरेंस देखेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 सेकंड यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको बोला इंस्ट्रक्शन दिया है से हेलो फॉर 2 सेकंड ओके एंड मेरी सेकंड अभी वो 2 सेकंड बोल रही है तो देखिए क्या होगा, ये हेलो बोल रही है और उतने में इसका रिप्लाई भी है 1 सेकंड में रिप्लाई क्योंकि ये टाइमिंग पे है। तो जैसे मेरी वो होती तो तुरंत मैं चाहती हूँ कि पहले ऐसे भी आप रख सकते हो बट मैं चाहती हूँ वो 3 सेकंड वेट करे। जब मेरी फर्स्ट कैट देखिए मैं डिफरेंस दिखाती हूँ, ये हेलो बोल रही है तो वो बोल रही है 3 सेकंड मतलब उसका बोल के हो जाता है, तभी मेरी दूसरी कैट बोलती है हाय ओके। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप में क्या सीखा, कैसे कम्युनिकेशन ग्रीन फ्लैग हमेशा लगाना है, दोनों एक दूसरे को हाय हेलो कर रहे हैं और हमें सेकेंड कैट को वेट कराना है ताकि हमारी फर्स्ट कैट उसको हेलो बोले ओके। अब मैं चाहती हूँ कि अब दोनों जब बात करेंगे तो दे विल टॉक टू ईच अदर, अब दोनों मिले हैं तो बातें भी होंगी, तो मेरी वापस मैं कैट के पास जाऊंगी और वो उसको बोलेगी अब मैं अभी देखिए वापस डिफरेंट, अब वो उसको क्या बोल रही है सेकेंड कैट, वो भी 2 सेकंड तक है बोल रही है, तो आपको अब इसको वेट कराना है कि जब इसका बोल के हो जाएगा तभी मेरी फर्स्ट कैट रिप्लाई देगी। तो अगेन आई विल यूज सेकेंड ओके, अब वो कितनी देर तक बोल रही है 2, तो हम 3 सेकंड देंगे एंड सिंपली जस्ट सी हे फिर मेरी वो कैट ठीक है वो वेट करेगी। अब मैं इसको कमांड ठीक है इस तरीके से आपने देख लिया कैसे होगा, अब मैंने इसको वेट दिया, मैं इसको अभी एक कमांड दूंगी कि अभी ये वापस बोलेगी 2 सेकंड तक हेलो हाउ आर यू, उसको पूछिए हाउ आर यू ओके। सो अब वो उससे बात कर रही है हाउ आर यू सो हेलो हे फिर ये वापस बोलेगी हाउ आर यू
हाउ आर यू, उसने पूछा उसको। अब इसका बोल क्या, उसने वेट किया। अब ये कितनी देर तक बोल रही है, 2 सेकेंड तक बोल रही है। तो अगेन मुझे यहाँ पर उसको वेट देना है, राइट? तो कहाँ जाएगा, कंट्रोल। वेट मतलब वेट तो मैं वापस 3 सेकेंड दूंगी और इसको बोलूंगी, ये बोलेगी, तो वो क्या बोलेगी उसको। हम लुक्स में जाएंगे, लेफ्ट साइड में, रिमेम्बर, हमें लेफ्ट साइड से हमारे लुक्स पर्पल वाले में जाके, आई विल ड्रैग एंड विल ड्रॉप द ब्लॉक हियर एंड ही विल से आई एम गुड। क्या कर रहे हो आजकल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, तो हमने ये सेटअप दे दिया कि वो उसको पूछे व्हाट आर यू डूइंग। सो वो बोलेगी, अभी देखिए मैंने इसको वेट, आई विल प्ले, हेलो हाय हाउ आर यू, वो उसको बोलेगी, आई एम गुड, व्हाट आर यू डूइंग, वो उसको क्वेश्चन कर रही है, हाउ आर यू डू। उसको फिर अब ये बोलेगी, अब ये कैट कितनी देर बोल रही, 2 सेकेंड। ओके किड्स, वापस आपको किस में, कंट्रोल में जाना है, वेट ऑप्शन यूज करना है एंड सिंपली यूज दिस एंड पुट वेट 3 सेकेंड। फिर वो बोलेगी चलो हम दोनों खेलते हैं साथ में, तो वो उसको लुक्स में जाएंगे एंड विल से लेट्स प्ले। अब वो चाह, अब दोनों मिल गए हैं तो बोलते बोलते नथिंग, तो वो बोले कि नथिंग, अब चलो हम दोनों खेलते हैं, लेट्स प्ले अगेन। जब कैट्स मिले तो वो क्या प्लान किया, लेट्स प्ले अगेन। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, आई विल यूज टू, आपको और भी मजा आएगा। सो ये बोलेगी लेट्स प्ले अगेन। सो देखिए दोनों कैसे बोले, हेलो हाय। अब ये केट बोले, हाउ आर यू, वो बोलेगी, आई एम गुड, व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग, लेट्स प्ले अ गेम। तो ये बोल देगी ओके। अब ये क्या करेगी, वेट करेगी, वो 2 सेकेंड तक बोल रही है रिमेम्बर, तो हमें कंट्रोल में जाना है, फिर से वेट ऑप्शन देना है, क्योंकि जब हम दो कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं तो एक दूसरे को गैप, क्योंकि अगर आप टाइमिंग नहीं दोगे दोनों साथ में बोलेंगे तो हमें वहां डिफरेंस देना है। सो ये वेट करेगी, तो ये बोलेगी लुक्स में जाके, ध्यान रखो ये स्टेप्स इसलिए ले रही हूँ सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हमें कहाँ जाना है। इवेंट में जाके हमें वेन ग्रीन फ्लैग क्लिक करना है और इसके बाद ये, तो बोलेगी ओके लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, लेट प्ले, तो वो बोलेगी उसको लेट प्ले, तो एंड देन दे विल स्टार्ट। ठीक है, आपको ये चीज मैंने इंग्लिश अंडरस्टैंड की है सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड जब कैरेक्टर एक दूसरे से बात कर रहे हैं एंड जब मिलते हैं तो। अभी मैंने ये स्टेप में दिखाया है हाउ कम्युनिकेशन बिल्डअप हो रहा है और कैसे हमें टाइमिंग फ्रेम देना है सो डैट इट शुड नॉट गेट क्लैश। सो देखिए ओके, अब हम नेक्स्ट मूव होंगे, साउंड भी डालेंगे बिकॉज दीज आर कैट, तो उनके साउंड भी आने चाहिए, तो इट विल क्रिएट मोर ब्यूटिफुली क्रिएटिविटी इन दी स्टोरी। तो अभी आपको ये स्टेप समझ में आ गया कि मैंने 2 स्टेप ज्यादा बेसिकली यहाँ यूज किया। पहले आज हमने सबसे पहले इस दो कैरेक्टर में कम्युनिकेशन सेट किया, अब हम इसमें म्यूजिक ऐड करेंगे, साउंड ऐड करेंगे एंड कैट का ही साउंड लेंगे। तो ओके लेट्स स्टार्ट विद दैट।